सुरक्षा देश की सुरक्षा एजेंसियों को गौर करना चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, भारत सरकार, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर का है, वहां के एलजी सबको धूल झोंक करके एक व्यक्ति जो कि गुजरात का है, उसका नाम किरण है, वो पीएमओ का स्पेशल सेक्रेटरी बन करके पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहता है। वहाँ की प्रशासन जो है उसको 5-स्टार होटल में रहने की व्यवस्था कराती है और Z+ सिक्योरिटी स्कॉट वगैरह सब रहते हुए उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में, और बड़ी खबर की शुरुआत बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से। क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और क्या तेजस्वी यादव को आने वाले वक्त में एक बड़ा झटका लगेगा? लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने सरकारी एजेंसियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। Y+, Z+ सिक्योरिटी को लेकर भी बड़ी बात कही, और ये भी कहा गया है कि लालू परिवार को जो घेरने की साजिश रची जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से, ये केवल और केवल अडानी के मुद्दे को छुपाने का काम कर रहे हैं। और मैं यही सवाल दर्शकों से पूछना चाहूँगा, जो लोग मेरी खबर को देख रहे हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो ये बताएं, अडानी का मुद्दा छुपाने के लिए ही विपक्ष पर कार्रवाई की जा रही है? ED, NCB, CBI क्या विपक्ष पर इसलिए हावी है ताकि चुनाव में अडानी का मुद्दा ना उठ सके? तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से सरकार को घेरा है, देखिए यह रिपोर्ट। सुरक्षा देश की सुरक्षा एजेंसियों को गौर करना चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, भारत सरकार, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर का है, वहां के एलजी सबको धूल झोंक करके एक व्यक्ति जो कि गुजरात का है, उसका नाम किरण है, वो पीएमओ का स्पेशल सेक्रेटरी बन करके पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहता है। वहाँ की प्रशासन जो है उसको 5-स्टार होटल में रहने की व्यवस्था कराती है और Z+ सिक्योरिटी स्कॉट वगैरह सब रहते हुए उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है, और अहम बैठकों में सारे अधिकारियों को बैठा के समीक्षा भी करता है, यानी देश और कश्मीर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता है वो लेता है, और सेना के अंतिम पोस्ट तक वो जाता है। यानी कोई भी फेक फर्जी आदमी अगर इस तरीके से जो सेंसिटिव एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वहाँ जो जाता है, वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की सुरक्षा के सामने, जहाँ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त किया जाता है, इससे बड़ी सुरक्षा में चूक कहीं नहीं दिखती है, और ये 4 महीने तक खेला चलता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष पर निशाना साध रही है। लेकिन क्या इस तरीके से विपक्ष को कमज़ोर कर पाना सरकार के लिए जो है वो बहुत आसान रास्ता होगा? और इस तरीके से विपक्ष अगर कमज़ोर हो जाता तो क्या 2024 का जो रास्ता है वो बीजेपी के लिए जो है वो बहुत सरल होगा? लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त सड़क से संसद तक और संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई आमने सामने आ गया है, तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि जीत किसकी होती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।